हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय माता दी। तो आज हम जा रहे हैं गांव देवी मंदिर, अंधेरी बेस्ट में है। मैंने देखा है ऐसे, अभी तक मैं भी गई नहीं हूँ, रास्ता मुझे पता भी नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं रिक्शे से जा रही हूँ और देखती हूँ कहाँ है गांव देवी मंदिर। अंधेरी बेस्ट में है, भवंस कॉलेज के पास में है, तो फिर हम मिलते हैं वहाँ पे। जय माता दी। यहाँ से अंधेरी बेस्ट से ना बस भी जाती है, लेकिन बस का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने रिक्शा पकड़ा और रिक्शा पकड़ के हम पहुँचेंगे भवंस कॉलेज, गांव देवी मंदिर, अंधेरी बेस्ट में। फर्स्ट टाइम मैं भी जा रही हूँ, वैसे मैंने गांव देवी मंदिर में अपनी बहन के साथ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अकेले जा रही हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम। गांव देवी मंदिर आ गए हैं, पूछते पूछाते हैं, हमें भी नहीं पता था। तो आप आएंगे तो बहुत अंदर है, बेस्ट में है। तो हम रिक्शे से आए, क्योंकि बस से भाई पता नहीं था। तो मैं बाहर का दिखाती हूँ, अभी अंदर जाएंगे और अंदर थोड़ा चलना पड़ता है, अंदर पूरा रिक्शा नहीं आता है। ये देखिए, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर है माता रानी। तो अंदर जाके हम दर्शन करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। फाइनली आ गए, बस से भी आप आ सकते हैं, बट मैं रिक्शा पकड़ी के लिए फर्स्ट टाइम था और ये बहुत अंदर है, इसके लिए मालूम नहीं पड़ता है। तो बोली मंदिर बंद है, तो अभी मजा आएगा ना। अभी दूसरे साइड से बताया है कि एक आगे अंदर रास्ता जाता है, तो वहाँ से जा रहे, अगर दर्शन मिल गया तो अच्छी बात है। माता रानी ने चाहा, क्योंकि काम चालू है कुछ मंदिर का, तो यहाँ से साइड से बंद है एंट्री का। दूसरी साइड से देखते हैं, ये गांव देवी मंदिर, ये है पूरी चढ़ान पड़ती है सीढ़ी, और ये है पहाड़ जो मैंने आपको दिखाया था, उस साइड से का रास्ता बंद था भाई। पहाड़ पे भाई काम चालू, देख रहे हो, इसके लिए बंद था उस साइड से, लेकिन जिस साइड से हम वहाँ पे जाके वापस आए हैं बहुत घूम के, ये है पूरी सीढ़ियाँ। थकान तो ऐसी लग गई। माता रानी के मंदिर आ गए, ये देखिए ये पूरा नज़ारा है, यहाँ से दिख रहा है, और सीढ़ी से नीचे दो दुकान है, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। बस भी आती है, बट हम रिक्शा से आए क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आ रही थी इसके लिए। मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो बंद था दूसरा रास्ता, इसकी वजह से इतना लंबा पड़ा, लेकिन बहुत अंदर है भाई। भूलते भुलाते आखिर हम गांव देवी मंदिर आ ही गए, और सीढ़ियां चढ़ने के बाद हुई थकान, फिर माता रानी के किए दर्शन, और सारी थकान हमारी छूमंतर हो गई। ये है ऊपर का कुछ इस तरीके मंदिर के बाहर का नज़ारा, बहुत ही यहां पे शांति वातावरण है, जैसे चाहिए ना वैसे शांति वातावरण है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ एक बार आना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत ही और बहुत ही पुराना मंदिर है। पंडित जी से हमने पूछा तो बोले बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही अंधेरी वेस्ट का, तो बहुत ही अच्छा ऊपर से नज़ारा दिखता है, सब छोटे 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 दिखते हैं। वैसे भी हम माता रानी के आगे तो सब बच्चे ही हैं। और इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, मन को शांत किया, और हरियाली बहुत है यहाँ, पानी पीने की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है, बहुत ही शांति वातावरण है, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, ये है जो है ना माता रानी के है ना सेवा करती हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव इनका है, बहुत ही प्यार से ये बात करती हैं। और उसके बाद ये है सीढ़ियाँ भाई, यहाँ जो भी आता है थोड़ा आराम करता है, और उसके बाद माता रानी के दर्शन करता है, ढेर सारा माता रानी आशीर्वाद देती हैं और प्यार कर देती हैं, बोलिए जय माता रानी की। और उसके बाद पंडित जी से पूछ के हमने माता रानी की थोड़ी सी वीडियो निकाली है, हमारी माता रानी, ये अंदर का है, वहाँ पे भी माता रानी और गणेश जी हैं, तो बोलिए जय माता रानी की। अंधेरी बेस्ट में जो गांव देवी मंदिर है, रिक्शे से जब उतरेंगे तो इस समय वहाँ पे काम चालू है, तो इसलिए वहाँ का रास्ता बंद है, तो इसलिए हम वहाँ से नहीं जा सकते हैं। दूसरे रास्ते से हम जाते हैं तो बहुत ही लंबा पड़ता है, कम से कम मेरे जैसे इंसान तो है ना 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट तो भाई लगता है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं तो भी 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उधर से रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि गली में से और ऐसे मार्केट में से जाना रहता है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, पहाड़ों पे हैं वहाँ देवी माता का मंदिर, और वहाँ से जो दिखने नज़ारा है जो वहाँ का देखने का वो है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, और हरियाली है और बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है,
तो व्रत है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है जो एज वाले हैं उम्रदार है, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट की साधना नहीं है, कि लिफ्ट नहीं है वहाँ पे, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी उम्रदार है वो खा पी के भाई नवरात्रि नहीं रहे आपका, तब आप जाइए, और जो जा सकते हैं वो नवरात्रि में जाइए और जय माता दी बोलिए। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, हम तो भूल ही गए थे, फिर रिक्शे से पकड़ के, बस भी है, आप बस से भी जा सकते हैं, बट मुझे नहीं पता था इसलिए मैं रिक्शे से गई, और उधर से आते समय रिक्शा भाई जल्दी नहीं मिलती है। तो जय माता दी, और गांव का गांव देवी मंदिर ऐसे जाइए, अंधेरी बेस्ट में है, और पूरा वीडियो देखिए। जय माता दी बोलिएगा।